विज्ञानगांव में कोरोना को लेकर कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में विज्ञानगांव ब्लॉक के सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के सदस्यों ने कोविड सेंटर कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में 18 प्लस का पहला टीकाकरण करवाया। इस वैक्सीनेशन में पत्रकार साथियों ने सभी से वैक्सीन करवाने की अपील की है। वहीं कोरोना का टीका लगवाने के बाद सभी पत्रकारों ने उत्साह दिखा। विज्ञानगांव में 18 प्लस पत्रकारों ने वैक्सीन करवाया। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी बी गजानन लहाने ने बताया कि कोविड 19 टीकाकरण कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में 15 तारीख से वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें आज तक 430 को वैक्सीनेशन किया गया है। वहीं कल न्यायालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया था। आज विज्ञानगांव ब्लॉक के सभी पत्रकारों को वैक्सीन किया गया है। विज्ञानगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। आज कोविड 19 टीकाकरण के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया गया है। उसी के तहत आज भिकनगांव ब्लॉक में भी ब्लॉक के सभी पत्रकारों को यहां पर टीकाकरण लगाया जा रहा है। मैंने भी आज लगवाया है और सभी मेरे साथी पत्रकार साथी बिल्कुल लगा रहे हैं। और साथ ही हम ये अपील करते हैं कि 18 प्लस से लेकर जितने युवक हैं, वैसे तो बहुत उत्साहित है टीकाकरण के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आए और जल्दी से जल्दी अपना टीका लगाएं। साथ ही अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो बूढ़े, जो टीकाकरण 45 वर्ष से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी प्रोत्साहित करें और टीकाकरण केंद्र तक लाएं, वो टीका लगाएं। ये बिल्कुल सुरक्षित है और कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। सर, ये अपने टीकाकरण की जो व्यवस्था चल रही है, कितने दिन से चल रही है और अभी तक कितने लोगों को, कितने 18 प्लस वालों को टीके लग चुके हैं? ये गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में कोविड 19 टीकाकरण का सत्र प्रारंभ हुआ है 15 तारीख से, कंटिन्यू चल रहा है। 18 प्लस के सत्र 4 हुए हैं, जिसके अंतर्गत आज से अगर मिलाएंगे अपन तो 4 सत्रों में 430 लोगों का वैक्सीनेशन किया है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्करों में भी दिनांक 19 से प्रारंभ हुआ है, जिसमें प्रथम दिन में न्यायालय के जो अधिकारी कर्मचारी उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, और आज द्वितीय दिन है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और हमारे शहरी जितने भी संवाददाता है, इनको फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा प्राप्त है, इनका टीकाकरण किया जा रहा है। काफ़ी रुचि के साथ ये टीकाकरण करा रहे हैं और आगामी आने वाले दिनों में बैंकर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर में आए, उनका भी टीकाकरण यहाँ पर किया जाएगा। आज पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर टीकाकरण के अंतर्गत टीके लगाएगा, जिसमें कि मैंने भी अपना टीका आज लिया है, और इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पत्रकार साथियों को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में टीकाकरण का एक विशेष दिन निर्धारित किया था। इसके लिए कलेक्टर मैडम का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वैक्सीन टीका लगाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे कि टीका लगाए मेरे को अभी 15-20 मिनट हो गए हैं, और ऐसी किसी प्रकार की कमजोरी या मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, वो टीका लगाने के बाद में एकदम नॉर्मल जैसे अपन थे वैसे ही फील हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।